नमस्कार दोस्तों, जड़ी बूटी परिवार आपका स्वागत करता है रोगों की इस श्रृंखला में। आज के हम इस वीडियो में एक खास बीमारी का जिक्र करने वाले हैं जो आंखों से रिलेटेड है, आम बोलचाल की भाषा में जिसे अंजनिहारी या गुहेरी कहते हैं। इस गुहेरी के लिए हम बचपन से सुनते आए हैं कि जब ये एक निकलती है तो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इस तरीके से लगातार सात निकलती हैं। तो किस तरीके से हम इसका उपचार कर सकते हैं, वो कौन से कारण है जिनसे आपको अंजनिहारी या गुहेरी निकलती है, आज की वीडियो में बात करेंगे हम इस बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर पाठक स्वागत करता हूं आपका जड़ी बूटी परिवार में। दोस्तों, अगर हम वैज्ञानिक मत की बात करें तो वो कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति में विटामिन ए या डी की कमी होती है तो ये सबसे बड़ी वजह होती है जब व्यक्ति के गुहेरी या अंजनिहारी निकलती है। इसके अलावा भी आयुर्वेद कहता है यदि किसी व्यक्ति में लंबे समय तक कब्ज की शिकायत रहती है तो ये अंजनिहारी का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। यदि आप इन दो तीन चीज़ों पर ध्यान रखें तो आप इस अंजनिहारी से बच सकते हैं। लेकिन यदि आपके अंजनिहारी हो चुकी है तो आप किस तरीके से उसका ख्याल रख सकते हैं, किस तरीके से उसके होने वाले दर्द से बच सकते हैं और उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, अब बताता हूं मैं आपको इस बारे में। दोस्तों, जब अंजनिहारी निकलती है तो दर्द बहुत ज़्यादा होता है और अगर ये पक जाए तो ये तकलीफ और बढ़ जाती है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, घरों में जो आमतौर पर लौंग उपलब्ध रहती है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। आप लौंग को पानी में घिसें और घिसने के बाद जो हल्का सा पेस्ट बने आप अपने उसे अंजनिहारी पे अप्लाई करें। शुरुआत में आपको थोड़ी जलन तो जरूर देगा लेकिन आपकी अंजनिहारी को ठीक करने के लिए एक रामबाण की तरह काम करता है। और इसके अलावा दोस्तों, यदि आपके आसपास कहीं आम का पेड़ है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब हम आम के पत्ते को पेड़ से तोड़ते हैं तो उसमें से एक रस निकलता है। यदि आप उस रस को अपनी उस गुहेरी पर लगाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो गुहेरी है, अंजनिहारी है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। और दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, त्रिफला आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा वरदान है, आमतौर से हम सबके घरों में उपलब्ध रहता है। आप त्रिफला के माध्यम से भी अपनी गुहेरी से आराम पा सकते हैं। इसके लिए आप क्या करें, 2 से 3 चम्मच की मात्रा में त्रिफला चूर्ण 1 गिलास पानी में भिगो के रात को रख दें। अगले दिन सुबह कपड़े की सहायता से आप उस पानी को छान लें। छानने के बाद जो आपके पास प्योर पानी बचेगा, साफ पानी बचेगा, उस पानी से आप अपनी गुहेरी वाली आँख को धोएं। ऐसा यदि आप दिन में 2 से 3 बार करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी गुहेरी बहुत ही जल्दी ठीक होने लगी है और एक के बाद जो दूसरी गुहेरी निकलने की प्रक्रिया आमतौर पर देखी गई है वो भी नहीं होती है। और दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक अगला उपचार बताता हूँ। आमतौर पर हम उस वस्तु को सीधे डस्टबिन का रास्ता दिखाते हैं। ये उपचार है खजूर की गुठली के माध्यम से। यदि आप अंजनिहारी से परेशान हैं तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो खजूर की गुठली आमतौर पर हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं उस गुठली को घिसें और जो घिसने के बाद आपके पास एक लेप प्राप्त होगा उस लेप को आप अपनी आंखों पर लगा सकते हैं। इसकी सहायता से भी आप अपनी आंखों में होने वाली इस गुहेरी से निजात पा सकते हैं। और दोस्तों, यदि कहीं आपके घर के आसपास सत्यानाशी का पौधा उपलब्ध है तो आप उसका प्रयोग करके भी इस गुहेरी से निजात पा सकते हैं। इसके लिए आप क्या करें कि आपने देखा होगा जब भी आप कभी सत्यानाशी के पौधे का कोई भाग तोड़ते हैं तो उसमें से एक दूध निकलता है। उस दूध को आप प्योर देसी घी में मिलाकर यदि अपनी आंखों पर अप्लाई करते हैं तब भी आप देखेंगे कि आपकी आंखों में ये जो गुहेरी है ये धीरे धीरे सूख के ख़त्म होती है और उसके बाद ये दोबारा गुहेरी होने वाली शिकायत भी नहीं होती। दोस्तों, ये आज की वीडियो में वो प्रयास था जिसमें हमने आपको कुछ वो उपचार बताए जिनके माध्यम से आमतौर पर होने वाली आंखों की गुहेरी अंजनिहारी से आप निजात पा सकते हैं। हम अपनी आने वाली वीडियो में और कई बीमारियां कवर करेंगे। दोस्तों, आशा करता हूं कि जड़ी बूटी परिवार द्वारा किया गया ये प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा और यदि ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।